हमरा जज वाला ना जज इंसाफ ना करलक हमरा साथ। क्या हुआ आपके साथ? हम 2009 में शादी अपने से कैले हले। हाँ हम अपने से कैलिया। हमारे पास शादी के वीडियो मेरा प्रूफ जज साहब नहीं देखे। मेरा शादी कहीं पापा ठीक कर रहे थे, देखा देखी कर रहे थे, लेकिन हमारा वहाँ दूसरा शादी नहीं हुआ है। ये अब जाके पूछ सकते हैं मेरा दूसरा शादी। फिर क्या हुआ? नाक बंद करिए। इनका एक पानी का बॉटल लेके आइए। देखिए लगातार ये महिला रो रही है, पिछले एक घंटे से धूप में बैठी थी। करने के बाद भी आप साथ में रह रही थी, तभी इसका जन्म। आप कहते हैं कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं रखे थे। हम कहते हैं आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। क्यों के लगा वहाँ हमको 3 ज्यादा पन्ना पे साइन करवाया गया था नवादपुर। हम पढ़ल नहीं है, हम खाली नाम लिखे लगे जाना ही ला। 3 ज्यादा पन्ना पे, एगो पैसा वाला पन्ना पे, दूसरा में भी शादी कर ला तो दूसरे किसी से। हाँ तो आपके होने के बावजूद। हाँ तो 2017 में हम नवादपुर थाना में केस कर ले हाली। तो नवादपुर थाना हमरा से बुलाएल मेरा ससुर इनकम टैक्स ऑफिसर है। जब हम केस अभी करने गए दोबारा में तो दीपक सम्राट थाना प्रभारी था, वो हमको बोला कि 50,000 रुपया और आधा कट्ठा जमीन दे देते हैं, केस मत करो ना करो। हम अभी हम पटना के हाई कोर्ट के पास मौजूद है। हमारे सामने आप देख रहे होंगे एक महिला है जो यहाँ बैठकर लगातार पिछले एक घंटे से रो रही है। क्या मामला है वो भी इनसे जानेंगे, और लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा ये किए जा रही है। क्या हुआ इनसे जानेंगे? क्या हुआ दीदी, आपको क्यों रो रही हैं? हमरा जज वाला ना जज इंसाफ ना करलक हमरा साथ। क्या हुआ आपके साथ? हम 2009 में शादी अपने से कैले हले। हाँ हम अपने से कैलिया। हमारे पास शादी के वीडियो है, मेरा पास पूरा प्रूफ है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा हर चीज है मेरे पास। क्या दिक्कत क्या हुई अब? दिक्कत ये है कि 2017 में भी शादी कर ला तू तो दूसरे किसी से। हाँ तो आपके होने के बावजूद। हाँ तो 2017 में हम नवादपुर थाना में केस कर ले हाली। तो नवादपुर थाना हमरा से बुलाएल, नवादपुर थाना हमरा से आते कहला कि अब हमको दूसरा शादी कर लिया तो नहीं छोड़ेगा, एक पूरा परिवार करवाया है, तू अपने से किए तो तुमको भी रखा जाएगा। तो हमारा पहले एगो खाली हमारा बेटा 5 के रहे 2017। हाँ ये बेटी है, 2022 में जन्म ली है। 2017 में से फिर हमको नवादपुर थाना कहा तो रखे उखे लगा वहाँ हमको 3 ज्यादा पन्ना पे साइन करवाया गया था नवादपुर। हम पढ़ल नहीं है, हम खाली नाम लिखे लगे जाना ही ला। 3 ज्यादा पन्ना पे, एगो पैसा वाला पन्ना पे, तो वो बोला कि ये जमीन है जो बेटा के नाम पे दिया जा रहा है, तो वो पे साइन किए। 2 और पन्ना पे साइन किए थे हम। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ आगे बताएं। नाक बंद करिए। एक पानी का बॉटल लेके आइए। देखिए लगातार ये महिला रो रही है, पिछले एक घंटे से धूप में बैठी हुई है और इनको चक्कर आ रहा है। ये देखिए अभी ये बेहोश हो गई। भाई एक पानी लेके आओ छोटू, जाके जल्दी से लेके आओ। ये बेहोश हो गई है और देखिए इनको दांती लग रहा है बार बार। पूरी कहानी आप आराम से बताइए, आपको न्याय मिलेगा, हम सभी आपका साथ देंगे। पहले आप आराम से होइए, पहले पूरा मामला क्या ये बताइए। 2017 में 3 पन्ना पे हमारा से साइन किया गया, जेकरा पे पैसा छापल था, इतना को पैसा था, पैसा वाला पे बोला कि ये कागज तुम्हारा बेटा का बनेगा, जो जमीन दिया जाएगा इसको, उसके बाद में जो दूसरा शादी किया गया जिला में उसको भी रखा जाएगा। तो हम उस पे नाम लिखे थे 3 पन्ना पे, लेकिन उसमें लिखल कुछ नहीं था। हाँ तो उस पर साइन किए, उसके बाद में हमको थाना से ले जाया गया, अच्छा से रखा। उसके बाद में घरे गए तो कभी कहा जाता था कि सब्जी नहीं निमन बनाती है, कभी कहा जाता कि सब्जी ये जहर कर दी है, तो पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ था। एक बार मेरी सास गरम दूध बीक दी कि दूध में बाती कौ
कौची तो कौची बोला जाता, कीड़ा की कौची गिर गया, टोपी नहीं थी था। उसके बाद में हम कहे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमरा अलगे दे दीजिए, कागज बन गया अलगे दे दीजिए, हम अलगे रहा अलगे रहा, हमको नहीं रहने। पहले आप पानी पिए, शांत रहिए, हम सब आपके साथ हैं। हमारा जज ना इंसाफी का, आपको इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा, परेशान के लिए आया दीदी तुम्हारा, हम लोग आपके साथ हैं, आपको इंसाफ। पहले आप पानी पीजिए, पहले आप पानी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए लगातार दो घंटे से ये महिला यहाँ पे रो रही है, इनको चक्कर आ रहा है और ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। ये कह रही हैं कि जज साहब ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया। ये शादीशुदा महिला है और इनके पति ने 2017 में दूसरी शादी कर ली है इनके होने के बावजूद भी। अच्छा एक बात बताइएगा, आप जो शादी किए थे, लव मैरिज किए थे, कोर्ट से किए थे या ऐसे ही किए थे? ऐसे ही। हाँ, हमारा पास वीडियो है, पूरा फोटो वोटो सब चीज है। हाँ, प्रूफ है। आपको अच्छे से रख रहा था, अचानक से 2017 में उसने दूसरी शादी कर। हाँ, दूसरी शादी हुआ था। क्या नाम है आपके पति का? नीरज कुमार उप संतु कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? कालापुर घर हुआ, नवोदपुर थाना पड़ता है। और अभी हाई कोर्ट में क्या हुआ, जो आप हाई कोर्ट के सामने बैठ के पिलो बाबू? हाई कोर्ट में ही हुआ कि मेरा प्रूफ जज साहब नहीं देखे, मेरा शादी कहीं पापा ठीक कर रहे थे, देखा देखी कर रहे थे, लेकिन हमारा वहाँ दूसरा शादी नहीं हुआ है। ये अब जाके पूछ सकते हैं मेरा दूसरा आपका पति आप पर क्या इल्जाम लगा रहा? कि दूसरा शादी इसको दूसरा गांव में हुआ है, तैयो मेरे ऊपर आरोप लगाइए। वो हम सादा पन्ना पे, वो पैसा वाला पे साइन किए थे ना, वो पैसा वाला पे कह रहे कि हमको तलाक दिए, दूसरा जगह शादी हुआ हम ना दूसरा जगह। आप चल के पूछ लीजिए ना, हम कमाई के कहाँ पे? हम एक ही गाँव के हैं। हाँ हाँ, एक ही सेम कास्ट के? हाँ महतो जी हैं। वो कौन से कास्ट? दोनों महतो जी हैं। ये दोनों बच्चा आपका उन्हीं का? हाँ, हाँ, ये कितने साल का होगा लगभग? इसका 2010 का जन्म है, 26 मार्च के है ये बच्ची। हाँ, ये 2022 में जन्म लिए, 19 मार्च के, जो एम्स में जॉब करते थे। मतलब उससे शादी करने के बाद भी आप साथ में रह रही थी? हाँ, तभी इसका जन्म। हाँ, आप कहते हैं कि नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं रखे थे। हम कहते हैं आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। एम्स में मैडम लोग बोले कि हम यहाँ डीएनए टेस्ट करवा देते हैं, तो एम्स छोड़ के भाग गए। एम्स में ड्यूटी अभी नहीं कर रहे हैं, अभी कहाँ भागल है हमको नहीं मालूम। घर पे भी नहीं? नहीं, घर पे भी नहीं। आपके सास ससुर सब घर पे हैं? हाँ, सब कोई घर पे है। मेरा ससुर इनकम टैक्स ऑफिसर है। जब हम केस अभी करने गए दोबारा में, तो दीपक सम्राट थाना प्रभारी था, वो हमको बोला कि 50,000 रुपया और आधा कट्ठा जमीन दे देते हैं, केस मत करो मत करो। हम पूरा हुआ भी अल्लाह किए, तब जाके केस करके तब हमको यहाँ भेजा गया। हाई कोर्ट में अभी क्या फैसला सुनाया? फैसला हमारा कागज हाई कोर्ट ने जज साहब नहीं देखे। केस कौन अब दायर किया, फाइल किया था? आप की थी या आपके पति ने किया? हम किए थे, वहाँ से दानापुर कोर्ट से रिजेक्ट होके ही आया था, तो जज साहब बेल दे दिए उनको। तो आपके पति को बेल? हाँ, हमको कोई इंसाफ ना, हम किराया के घर में रहते, हमको कुछ नहीं है हमारे। आप रोना बंद करिए। आप देखिए, ऐसे करने से, ऐसे रोड पे रोने से, सुनिए मेरी बात सुनिए, ऐसे रोड पे रोने से कुछ नहीं होगा, आपको इंसाफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आएगा बेचे, अब जब का बर्तन करते हैं तो 5,000 रुपया वकील साहब को दिए, अब 500 आज दिए, हमारे पास कुछ नहीं। आप रोना बंद करिए, रोना सॉल्यूशन नहीं। सुनिए हमारी बात सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? बबीता कुमारी जी। आप रोना बंद करिए, रोना सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट अगर आपको उनको बेल दे दिया तो आप हार गई, यहाँ पे आपकी लड़ाई खत्म नहीं हो गई है। जब आप कह रही हैं कि आपकी दूसरी शादी नहीं हुई है, आपके बाप का बच्चा भी उन्हीं का है और इस बात का आप डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी महिला विकास मंच भी है, महिलाएं भी है जो महिलाओं की मदद करती है, हम उनकी मदद से आपका भी मदद करवाएंगे। आप पहले संगीता मैडम है जो महिला संगठन की है, वो हमको लेकर विधायक के पास गई थी, सिद्धार्थ के पास, तो वहाँ भी गए तो सिद्धार्थ बोले कि कोर्ट में केस नहीं चलेगा, हम यहाँ फैसला कर देंगे, हो जाएगा सब चीज तुम्हारे पास। फिर विधायक सिद्धार्थ भी हमको कुछ नहीं बोले, वहाँ भी मेरा चेचेरा ससुर इनकम टैक्स के ऑफिसर है, वहाँ भी उगाया, उनको चम्बर में बैठाया गया, फिर विधायक भी हमसे कुछ नहीं पूछा। अभी आपके पति और दूसरी वाइफ जो उनके, वो दोनों नहीं है घर पे? नहीं, वो सब रहता है गया में, ससुरारी में रहते हैं। गया में रहता है? हाँ, अभी वो वहीं रह रहे हैं? हाँ, वहीं होंगे। आप देखिए, छोटा बच्चा है, आप इनको लेकर धूप में बैठेंगे, तबियत खराब हो जाएगा, फिर आप पैसे कहाँ से लाएंगे? ना, तो फिर से किया जाएगा ना, फिर से फाइल होगा केस, फिर से
दर्ज हो सकता है, आप रोना बंद करिए, हमारी बात सुनिए, आप ठीक है, सब कुछ होगा, आप पहले बबीता जी, आप पहले बबीता जी शांत होइए, इंसाफ मिलेगा आपको, आप रोना बंद करिए, उठिए यहाँ से, बच्चे को उठाइए, आप उठाइए, अब आपको मिलेगा इंसाफ, यहाँ बैठने से इंसाफ नहीं मिलेगा आपको, आप उठिए, फिर से आप केस कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार बेल मिल जाने से दोबारा फिर नहीं, उसके पास पैसा का पावर है, कुछ कहता था कि हम पैसा से हम अपना हाई कोर्ट में बेल करवा लेंगे, एक के बार में हो जाएगा। आप रास्ते पर से उठिए, पहले आप पहले रास्ते पर से उठिए, आप उठिए ना रास्ते से उठिए, बात मरियन हमारी, आप उठिए रास्ते पर से, आप उठिए, साफ भी मिलेगा, आप रोना बंद करिए, आप रोना बंद करिए, जज साहब कैसे, आप कौन से जज थे, कितने जज है, एक जज है जो आप जाके उनको मना लीजिएगा, फिर से केस कर सकते हैं, आपके बच्चे हैं, सब कुछ आपके पास प्रूफ है ना, हाँ मेरे पास है, फिर आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, हमारे गाँव का मुखिया हमारा पंचायती नहीं किया, हम गए मुखिया भी प्रूफ देखा है, कहे कि चलिए पंचायती करिए, नहीं मुखिया पंचायती किया, ओकरा बाद में हमारा खिलाफ में मुखिया लिख के दे दिया, लिख के दे दिया, आपके घर वाले, आपके मायके, मायके वाले आपके साथ, हमारे साथ कोई नहीं रहता, आपके मम्मी पापा कोई नहीं रहता, वो लोग भी आपके साथ नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, आप रोना बंद करिए, आप रोना बंद करिए, आप रोना बंद करिए, बात सुनिए, आप ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप चलिएगा, हम आपकी सहायता करेंगे, जो कुछ भी होगा हम आपकी मदद करेंगे, आप रोना बंद करिए। देखिए ये महिला है, बबीता नाम है इनका, नौबतपुर थाने क्षेत्र से आती हैं, पिछले एक घंटे से ये हाईकोर्ट देख रहे हैं, हमारे पीछे हाईकोर्ट पटना उच्च न्यायालय गेट नंबर 4 के पास हम मौजूद हैं, और पिछले एक घंटे से ये लगातार यहाँ पे रो रही है, इनका कहना है कि जज साहब ने इन्हें न्याय नहीं दिया, न्याय क्यों नहीं दिया भैया, तो सुनिए, इनकी शादी हुई थी 2009 में इनकी शादी हुई थी, नौबतपुर में हुई थी, और 2017 में इनके पति ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी करने के बाद इन्होंने जब थाने में कंप्लेन किया तो थाना ने कहा आपको भी रखा जाएगा और उनको भी रखा जाएगा, सबसे पहली बात वो इलीगल होता है, जब आपके साथ एक पत्नी हो तो दूसरी से आप शादी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपने पहली पत्नी को डिवोर्स नहीं दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पति ने दूसरी शादी कर ली, और तो और दूसरी शादी करने के बाद इनसे ब्लैंक पेपर पर वो साइन करवा लेते हैं और उसी पेपर पे तलाकनामा लिखवा कर कहते हैं कि हमने इन्हें तलाक दे दिया है और ये दूसरी शादी कर ली है, जबकि ये साफ तौर पर कह रही है हमने कोई दूसरी शादी नहीं की है, आप हमारे गाँव जाकर पता कर सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए एक ये बच्चा है इनका और एक छोटी सी बच्ची है, दोनों बच्ची को लेकर ये लगातार रो रही है अपने इंसाफ के लिए, तो हम चाहेंगे कि ये जो भी महिला हैं इनकी मदद की जाए और इनके साथ जो भी परेशानी है उसके बारे में जाना जाए और इनको न्याय मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं दो छोटे बच्चे को लेकर ये आखिर कहाँ जाएंगी और कैसे अपना भरण पोषण कर पाएंगी, क्योंकि इनके पास अभी कोई जरिया भी नहीं है, और इस बीच मझधार में लाकर इनके पति ने इन्हें छोड़ दिया। आप सुनिए बबीता जी, एक मिनट हमारी बात सुनिए, आप रोना बंद करिए, ठीक है, आपकी जो कुछ भी मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं, और आप बच्चे को अगर इस प्रकार से धूप में रखेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी बच्चे की भी, फिर क्या करेंगी आप, हम क्या करेंगे, अब जो छोड़ दिया है तो जज साहब हमारा साथ ना इंसाफी किए, उसको बुलाते, उससे पूछते, फिर से पूछा जाएगा अगर हमारा प्रूफ गलत, खत्म नहीं कहानी यहाँ पे, खत्म नहीं हो रही है लड़ाई, अभी आपकी जारी है, आपको इंसाफ मिलेगा, हम बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट करें, रोना सॉल्यूशन नहीं है, रोने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, रोइए मत, आप फिर से केस कर सकती हैं, फिर से लड़ सकती हैं, आपके बच्चे पैसा रहेगा तब ना, कोई बात नहीं, पैसा बिना पैसे का भी केस लड़ा जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि गरीब इंसान बिना वकील पैसा के नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम आपकी मदद करेंगे, हम फ्री में आपका केस लड़वाएंगे, आप क्यों परेशान, आप रोना बंद करिए, और पहले आप शांति दिमाग से सोचिए, सारा प्रूफ है, सारा एविडेंस है, हम आपकी मदद करेंगे। चलिए तो फिलहाल अभी हम जो कुछ भी इनकी सहायता हो पाएगी हमारी कोशिश होगी कि इनकी सहायता करना और इनका न्याय, इनको न्याय दिलवाना, क्योंकि आज भी हमारे समाज में कहते हैं कि मर्द पुरुष और महिलाएं एक हो गए हैं, दोनों को समानता का अधिकार मिल गया है, लेकिन अभी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। बाकी आप वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहरहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।